गाइस यहां पे ऑनर ने बना दिया है कुछ मैजिकल और लॉन्च कर दिया है ये नया ऑनर मैजिक 6 प्रो। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम करते हैं इसी को अनबॉक्स और हम चेक करते हैं कि आखिर ऑनर ने ऐसा क्या मैजिक क्रिएट किया है और बनाया है इसी ब्रांड न्यू ऑनर मैजिक 6 प्रो स्मार्टफोन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत दिल से ना दुआएं निकलती हैं ब्रांड्स के लिए जब वो ऐसा काम करते हैं और मतलब हमको सामान देते हैं बॉक्स में। टिपिकल ऑनर पैकेजिंग में आता है, हम इसको हटाते हैं। ओहो हो, ये यार बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारे पास में इस एपी ग्रीन कलर में ये कैमरा आपको दिख रहा है, पूरा फोन दिख रहा है। इसको हम देखते हैं बाद में ध्यान से। नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो व्हाट वी हैव दिस सेक्शन जहाँ पे हमारे पास में है एक सिम प्रोजेक्टर टूल, फिर हमारे पास में एक केस भी है टू प्रोटेक्ट द फोन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। और ये है केस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगता है टू बी ऑनेस्ट। नीचे हमारे पास में है ये, और ये है ऑनर सुपर चार्ज 100 वॉट्स वाला चार्जर। फ़ोन जो है वो 80 वॉट्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और ये ऑल्दो ये यूके वाले पिन के साथ में आता है। और फाइनली इधर हमारे पास में है एक यूएसबी ए टू यूएसबी सी केबल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ़ोन की और इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट थिंग, ओके भाई एक बार ये जो नॉट फॉर सेल है इसको हम हटा देते हैं। फ़ोन था नहीं सेल के लिए, हम लेके आ गए। Have a look at this. मतलब बहुत कमाल लग रहा है। आप एक बार थोड़ा सा इसकी सुंदरता को निहारो और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसा है ये लेटेस्ट ऑनर का मैजिक 6 प्रो। तो गाइज देखा आपने कि मतलब बहुत एक अच्छा प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हमको फील होता है। और ये ना आपको जैसी फ़ोन को आप इन हैंड जब फील करते हो तो ये फील होता है कि जो फ़ोन है वो वाकई में एक बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी अपने साथ में लेके आता है। कंप्लीट मेटल का फ्रेम है, आपको एक प्रीमियम ये PU लेदर का पीछे बैक मिलता है। स्क्रीन जो हमारे पास में है वो है क्वाड कर्व्ड स्क्रीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच ये फ़ोन फील होता है। और अगर हम बात करते हैं एक बेसिक यू नो ओवरव्यू के साथ में, तो यहाँ पे आपको जो फ्रेम मिलता है साइड में एकदम ऐसा फ्लैट और शार्प मिलता है, विच इज ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम। जहाँ पे हमारे पास में है पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। फोन में ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, IR ब्लास्टर है, और एक प्रॉपर स्पीकर ग्रिल मिलता है। मतलब फोन जो है वो आता है काफी अच्छे स्टीरियो स्पीकर के साथ में, और यहाँ पे DXO मार्क में गोल्ड मिल गया है फोन को। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो इट्स ऑल क्लीन। फोन में नीचे अगेन हमारे पास में एक डुअल सिम ट्रे है, फिर है प्राइमरी माइक्रोफोन, यूएसबी सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अगर आप दोस्तों पीछे देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल आपको डिजाइन देखने को मिलता है। बिकॉज पहली बात तो ये कर्व बैक है और काफी ग्रिपी और काफी आपको हाथ में अच्छा फील होता है। यहाँ पे जो कैमरा डेको है मतलब लुक्स प्रीमियम, और एट द सेम टाइम यहाँ पे ना कुछ कुछ डिटेल्स भी हैं जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पास में एक ट्रिपल कैम सेटअप है। मेन कैमरा जो यहाँ पे है ये है 50 मेगापिक्सल्स का विद OIS, और यहाँ पे जो एपर्चर है वो चेंज कर सकता है, आप भी चेंज कर सकते हो बिटवीन 1.4 एंड 2.0, मतलब ये प्रॉपरली एपर्चरिंग इसकी मूव करती है। फिर हमारे पास में यहाँ पे जो कैमरा है ये है 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए। और गाइज ये जो कैमरा है जो आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये तीसरा कैमरा ऊपर वाला, पहली बार हो गया इंडस्ट्री में ऐसा कि हमारे पास में है एक 180 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये आता है 2.5x पेरिस्कोप डिजाइन के साथ में। मतलब आप अप टू 100x पे जा सकते हो, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है, लेकिन जो कैमरा है 180 मेगापिक्सल फॉर अ पेरिस्कोप टेलीफोटो, इट्स क्वाइट अनहर्ड टू बी ऑनेस्ट। और फिर हमारे पास में यहाँ पे ऑटो फोकसिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम है, LED फ्लैश भी है, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर भी है, मतलब है ना वो सब चीजें मिल जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ तो यहां पे भी अगेन कुछ कमी नहीं छोड़ी है ऑनर ने, क्योंकि हमारे पास में एक क्वाड कर्व्ड स्क्रीन है। कहने का मतलब क्या कि स्क्रीन इधर भी कर्व हो रहा है, इधर भी कर्व हो रहा है, और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी बड़े इजी कर्व्स लेके आता है। मतलब आपको हैंडलिंग में जेस्चर्स में बहुत अच्छा फील होगा। ये जो स्क्रीन है ये आता है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में, एक LTPO OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश तक जा सकता है, और जो पीक ब्राइटनेस है यहाँ पे गाइस इट्स अप टू 5000 निट्स, मतलब सुपर 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 ब्राइट। और फिर हमारे पास में ऑफकोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको कैप्सूल देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक
50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद आई ट्रैकिंग, मतलब एक अलग लेवल भैया काम चल रहा है, और फिर एक प्रॉपर 3D टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा भी है। तो अगर आप फोन को फेस अनलॉक के लिए काम में लेंगे तो वो काफी सिक्योर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेटअप। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे अंदर जो इस फोन में लगी है ताकत वो है लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 की। एक ही वेरिएंट है, 12GB रैम है, 512GB की स्टोरेज है, और यहाँ पे गाइस जो बैटरी लगाई है इसके अंदर ऑनर ने, ये एक सेकेंड जनरेशन सिलिकन कार्बाइड बैटरी है। क्रेजी वो टेक्नोलॉजी है जो बैटरी को काफी स्लिम बना देती है, बिकॉज आप अगर ये फोन देखोगे तो लुक्स लाइक कि इट्स लाइक ए नॉर्मल फोन, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 5600 mAh की, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यू नो यूजुअली अगर आप देखोगे तो बहुत आपको कैसे पॉसिबल है, बट ये ऑनर ने किया है। और अगेन 80 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और साथ में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, तो वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब जो सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है हमारे पास में इस फोन के अंदर जो UI है, ये फिलहाल मैजिक OS 8 पे चलता है, एंड्रॉयड 14 पे दोस्तों ये बेस्ड है, और ऑनर बोलता है कि ये जो है ये AI वाला OS है, मतलब इंटेंट बेस्ड ही काम होता है कि भाई फोन को पता है कि अब आप क्या करने वाले हो। मतलब अगर आपके पास में एक मैसेज आया WhatsApp पे, किसी ने आपको मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा हुआ है कि शाम को 8 बजे डिनर के लिए मिलते हैं, मैंने इस जगह के बारे में मेरे दोस्त से सुना है, काफी अच्छा वहां पे खाना मिलता है, तो वहां चलते हैं, लेट्स से इतना बड़ा मैसेज है। अब अगर आपको अपना नॉर्मल फोन में यूज करना तो क्या करोगे, पहले वो मैसेज को देखोगे, सेलेक्ट करोगे, फिर मैप्स खोलोगे, फिर उसको कॉपी करोगे, फिर सर्च करोगे, तब आपको डायरेक्शंस आएंगे। लेकिन यहां पे ये काम वन क्लिक से हो रहा है, एक मैजिक पोर्टल नाम की चीज है जो साइड में आपको एप्स के शॉर्टकट्स देता है, आप वन क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने काफी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो। तो ये जो OS के अंदर AI को इंप्लीमेंट किया है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किया है ऑनर ने। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये एक बेसिक फर्स्ट लुक टाइप का वीडियो है, मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अदरवाइज जो कैमरा है इसके अंदर भी AI फाल्कन कैमरा सिस्टम जो ऑनर ने यूज किया है, मतलब आपको अगर स्पोर्ट्स की फोटो खींचनी है ना, ऑनर बोलता है स्पोर्टोग्राफी, मतलब फास्ट मूविंग सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप, मतलब आपको शटर दबाना भी नहीं है, बिकॉज समटाइम्स थिंग्स आर वेरी फास्ट और आप टैप भी नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां पे ये अपने आप वो मूवमेंट्स को ट्रैक करता है अलग अलग स्पोर्ट्स के थ्रू, और आपको देता है एकदम टैक शार्प क्रिस्टल क्लियर इमेजेस। तो गाइज ये है ऑनर का मैजिक 6 प्रो। मतलब स्क्रीन की ब्राइटनेस की मैं आपसे बात कर रहा था, मतलब यहां पे देखो अभी जो भी ब्राइटनेस का लेवल है मैंने कहां रखा हुआ है, एकदम कम रखा हुआ है। अगर इसको बढ़ाऊंगा ना, इट माइट एक्ट लाइक अ फ्लैश लाइट, टू बी ऑनेस्ट, मैं कम कर लेता हूं। तो ये फोन काफी प्रीमियम फील होता है, और इनफैक्ट प्रीमियम के साथ साथ पे मुझे करना नहीं था बट कर दिया, एक बार और कर लें क्या, पड़ोसी जाग जाएंगे, वन लास्ट टाइम गाइस। यहां पे नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया है ऑनर ने, तो जो स्क्रीन है ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगेंस्ट स्क्रैचेस या अगेंस्ट इंपैक्ट्स। तो गाइस दिस इज द ऑल न्यू ऑनर मैजिक 6 प्रो। आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, और ऑल्दो अभी यहां पे ज्यादा हमने डिटेल में देखा नहीं है, बट फर्स्ट अगर मैं इंप्रेशंस की बात करता हूं, द वे द फोन फील्स, द वे द फोन पैक्स द स्पेक्स, मुझे काफी इंटरेस्टिंग ये फोन लग रहा है। और मजे की बात, एक ऑनर मैजिक 6 का पोर्शे डिजाइन भी आने वाला है कमिंग सून इन द मंथ ऑफ मार्च, तो आपको उसका वीडियो भी मिलेगा जहां पे पोर्शे डिजाइन स्मार्टफोन है गाइस, तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा, उसको भी देखेंगे हम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लाइक शेयर करते हुए बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस फोन के बारे में। MWC से आपके लिए और इंटरेस्टिंग कवरेज आने वाली है, और एक बिहाइंड द सीन्स भी आएगा कि हमने ये शूट कैसे किया है, बहुत जुगाड़ लगा के शूट किया टू बी ऑनेस्ट। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।